खरगोन जिले में शिल्प के अधिष्ठाता देव भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती समाजजनों ने महोत्सव के रूप में मनाई। घर घर शिल्पकारों ने भगवान विश्वकर्मा का पूजन कर चालीसा का पाठ किया। इसके बाद अपने औजारों का भी पूजन किया। औरंगपुरा स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में भी सुबह से शाम तक धार्मिक अनुष्ठान किए गए। यहाँ विराजित प्रतिमा का सुबह पूजन अभिषेक कर गुजराती लोहार समाजजनों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। समाज के संजय कर्मा जितेंद्र कर्मा द्वारा बताया गया है कि शोभा यात्रा में सुसज्जित बग्घी पर भगवान विश्वकर्मा जी की प्रतिमा स्थापित की गई। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में रास्ते भर समाजजनों ने भगवान विश्वकर्मा के जयकारे लगाए। कई उत्साही युवा एवं महिलाओं ने भजनों की धुन पर गरबा नृत्य भी किया। इसके अलावा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। शोभा यात्रा औरंगपुरा नवग्रह मंदिर तिराहा कालिका माता मंदिर गणेश मंदिर लिंक रोड से पुराना पुल होते हुए वापस मंदिर पहुंची, जहां महाआरती कर यात्रा को विराम दिया गया। विश्वकर्मा जी का प्रकट दिवस है जो मार्च 13 के दिन निकला जाता है। मास 13 पे भगवान विश्वकर्मा जी प्रकट हुए थे, उनका जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है। क्या क्या आयोजन हो रहा है? भगवान विश्वकर्मा जी में आज सुबह पंचामृत से भगवान विश्वकर्मा जी का स्नान हुआ है, उसके पश्चात हवन पूजा हुई है। हवन पूजा के पश्चात 10 बजे सुबह शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा, जहाँ महिला और आदमी सभी नाच गा के भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मना रहे हैं। और क्या आयोजन मंदिर में? और मंदिर में भोजन प्रसादी कर रखा गया है। और क्या नाम? संजय कर्मा जिला अध्यक्ष। खरगोन से अब्रार पठान की रिपोर्ट।